मिनी जानकारी एक ऐसा चैनल जो आपको देता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जनरल नॉलेज और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल कम समय में तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं दोस्तों कॉन्स्टलेशन आर ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई यानी कि आकाश में तारों के ग्रुप को तारों के समूह को कॉन्स्टलेशन कहते हैं इसको और अच्छे से समझिए दोस्तों आकाश में बहुत सारे तारे हैं और वे सब रैंडमली स्प्रेड हैं कुछ ग्रुप में हैं कुछ अकेले हैं मतलब कोई जगह फिक्स नहीं है जैसे तैसे पूरे आकाश में फैले हुए हैं और इन्हीं तारों के ग्रुप को एंसेंट सिविलाइजेशन के लोग किसी खास फिगर किसी खास एनिमल किसी खास बीस से जोड़ कर देखते थे और इमेजिन करते थे दोस्तों आपको भी आकाश में कोई ना कोई शेप जरूर दिखा होगा और आपने भी कभी ना कभी इमेजिन जरूर किया होगा जिसमें यह ऋषि तारा तो आपने जरूर ही देखा होगा तो इन्हीं सारे स्ट्रक्चर को ही तो कॉन्स्टलेशन कहा जाता है यानी कि द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म वेरियस पैटर्नस दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस यानी कि तारों का समूह जो कोई ना कोई पैटर्न शो कर रहा है वो कॉन्स्टलेशन कहलाएगा दोस्तों ऋषि जो सबसे जाना पहचाना सबसे कॉमन कॉन्स्टलेशन है वो भी तो ग्रुप ऑफ स्टार ही है वो सेवन स्टार का एक ग्रुप है दोस्तों एंसेंट टाइम में लोग डायरेक्शन का पता भी स्टार से ही लगाते थे क्योंकि ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार नॉर्थ में हुआ करता है और इसी से सारे डायरेक्शन का पता ऑटोमेटिकली लग जाता है और अगर हमें ध्रुव तारा को आइडेंटिफाई करना है तो ये सब तरह से बिल्कुल ऊपर है तो यहाँ पे भी कॉन्स्टलेशन की ही मदद ली जाती है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि कॉन्स्टलेशन आपको समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मिनी जानकारी के साथ जुड़े सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो कौन सा होगा और हमारे चैनल का प्ले जरूर चेक करें थैंक यू